इस ब्रिज की एंट्री प्राइस है, ब्रिज विजिट करने के लिए 12,500 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा। सो गाइस, अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। हम लोग इनसाइड देख रहे हैं बजट की। सेकंड पॉइंट है, इन फर्स्ट पॉइंट वी सॉ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने इस ईयर इंक्रीज कर दिया है, एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दिस इज अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा उतना इकोनॉमी डेवलप करती है। बट द थिंग इज गाइस, माय सेकंड इनसाइट इज कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना इज वेरी गुड, इट्स अ वेलकम स्टेप। बट जो एक एवरेज सिटीजन है इंडिया का, उसको इस इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। अगर वो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहा है, सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड लोग ही ले पा रहे हैं, तो फिर इसका फायदा क्या है? गवर्नमेंट वर्क फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन, यस और नो? वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट कंटेन्ड टू ओनली अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अभी हाल में ही एक ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है मुंबई में। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द नेम, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। इस ब्रिज की एंट्री प्राइस है, ब्रिज विजिट करने के लिए 12,500 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा, सिर्फ ब्रिज को विजिट करने के लिए, वहां देखने के लिए जाने 12,500। अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें, इससे कम है हमारे देश में पर कैपिटा इनकम, यानी बहुत सारे लोग हैं जो ये अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, वो ब्रिज को देख ही नहीं पाएंगे, इट्स आउट ऑफ देयर रीच, आउट ऑफ क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये जो एक्सपेंडिचर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये नॉर्मल या एवरेज कॉमन मैन के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रिविलेज सुपर क्लास के लिए है। तो फिर ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या फायदा, क्योंकि प्रिविलेज और सुपर क्लास के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है।